हमारे पंचायत में 2 करोड़ रुपए का सेठ घोटाला हुआ है और उसमें मुखिया जी बराबर के हकदार है। क्षेत्र में जाने के बाद ये तो पता चल ही जाएगा, वैसे तो जनता बताएगी ये सब। खड़े खड़े रूम में कोई भी अपना बड़ाई कर देता है कि मैं ये किया हूँ, बिल्कुल वो वाला मुखिया ये किया है, वैसे सही नहीं हो पाएगा। वैसे यहाँ पर ये लोग हैं, सभी लोग इतने लोग हैं, क्या मुखिया जी एक प्रत्याशी हैं जो प्रमोद तिवारी सही बोल रहे हैं? असली और भ्रष्टाचार की परम सीमा, मतलब पराकाष्ठा से सहुला पंचायत अभी चल रही है। मुखिया जी लोग जो 2500 का सैलरी पाता है, 5 साल में 2.5 करोड़ का मालिक हो जा रहा है। अब जिसको राशन कार्ड चाहिए उसको नहीं मिला है। विकास से कोसों दूर रही है जनता। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मुखिया प्रत्याशी है सोनौला पंचायत से प्रमोद तिवारी, वो सिरकलपुर से होते हुए अपना रैली यहाँ गुठरी मोड़ तक लेकर आए। अब यहीं पर रैली को ले जाएंगे, वहाँ पर विराम देंगे और लोगों को पानी वगैरह पिलाएंगे। हम लोग इनसे बात भी करेंगे कि आने वाले समय में क्या करने वाले हैं, क्या विकास करेंगे, क्या नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं पूरी जनता सोनौला पंचायत के इनके साथ में लगी हुई है। कल नॉमिनेशन के बाद ये अपना सोनौला पंचायत से जो प्रमोद तिवारी है, आप देख सकते हैं पूरा रैली के साथ, जन सैलाब के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। घुटनी चौराहे पर जो रैली यहाँ सिरकलपुर से निकली, पूरा रास्ता होते हुए घुटनी चौराहे पर आए हुए, आज इनसे बात करेंगे जनता के लिए किए क्या है और करेंगे क्या। अपना परिचय बताएं जी। प्रमोद तिवारी, सिरकलपुर भावी मुखिया पद प्रत्याशी। क्या सोच कर आए हैं राजनीति में? जी विकास करना है, हमारा पंचायत विकास से कोसों दूर है। चूंकि हम पहले भी बता चुके हैं न्यूज चैनल में कि हमारे पंचायत में गिने चुने लोगों का विकास होता है, जैसे हर गांव में 2-4 चिन्हित लोग हैं, उन्हीं का विकास होता है। अभी पिछले न्यूज में एक कार्यकर्ता, वर्तमान मुखिया के कार्यकर्ता बोल रहे थे कि राशन कार्ड प्रमोद तिवारी के पास है। चूंकि अगर कोई सिद्ध करा दे कि प्रमोद तिवारी अपने राशन कार्ड हो या न हो, किसी राशन कार्ड से कोई कभी भी अनाज एक बार भी उठाए हो, तो मैं अपना नामांकन वापस ले लूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि हम राशन कभी उठाए ही नहीं है। और जो बोल रहे थे वो राशन कार्ड के पात्र है नहीं, फिर भी उनके पास 3 राशन कार्ड है। उनके अकाउंट में नरेगा का करोड़ों रुपए आया है, क्या वो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं और किस एवज में पैसा आया? अगर मेट बनाया गया है उनको कि ट्रैक्टर रख के और मैं मेट हूँ, तो फिर इनकम टैक्स रिटर्न तो भरना चाहिए, करोड़ों का ट्रांजेक्शन है उनके अकाउंट का। और हमारे वर्तमान मुखिया जी है उनका तो पूछिए मत, सेड का जो घोटाला है उसमें हमारे मुखिया जी बराबर के सहभागी रहे हुए हैं। सेड के घोटाले में हमारे पंचायत में 2 करोड़ रुपए का सेड घोटाला हुआ है और उसमें मुखिया जी बराबर के हकदार है, और उन्हीं के कहने पर लोगों को पैसा दिया गया है। कुछ पैसा तो वो अपने हाथों से लोगों को ले जो 2 करोड़ का घोटाला बता रहे हैं, इसका विस्तार से बता सकते हैं कौन कौन शामिल है, कैसे हुआ है, क्या मामला है? देखिए सेड का फोटो आधार कार्ड लोगों से ले लिया गया है और किन्हीं को 25,000, किन्हीं को 20,000, कुछ लोगों को 30,000, कुछ लोगों को 50,000, ऐसे करके पैसा दिया गया है और बहुत लोगों को मिला भी नहीं है और उनका नाम से उठ गया है। आप खुद पता लगा सकते हैं कौन कौन शामिल है। कौन शामिल होगा? नरेगा का काम है, मुखिया जी शामिल है और भी कोई है? नरेगा का जो अधिकारी है लोग, सभी लोग शामिल है, यहाँ से जिले तक शामिल है लोग। चलिए आप जनता के लिए अभी तक किए क्या है? आप भी मुखिया जी के सुनने में आता है कि साथ में थे पहले। जी थे, लेकिन कुछ विकास के मामले में वही राशन कार्ड में तो आपको मालूम होता होगा सरकार की तरफ से जो काम आता होगा वो धरातल पर कितना उतरा है कितना नहीं उतरा है, इसके बारे में तो आपको मालूम ही होगा। जी हम तो दुकान चलाते हैं, यहाँ पे मुखिया जी आकर बैठते थे और विकास के उनके कामों में मेरी कोई सहभागिता नहीं थी। हमारा अपना है कि जो हमारे पास आ जाता है कोई निराश नहीं जाता है। अभी भी बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है, बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जिनका घर 50 साल 100 साल से घर नहीं बना है, हमारे माध्यम से बना है। आज भी लगभग बहुत पैसा बाकी है लोगों के पास, हम देते हैं जो भी आ जाता है। आप अपने माध्यम से या सरकार के तरफ से जो पैसा आता था बीच में आप मदद कर देते थे या अपने तरफ से किए? जी मान लीजिए कॉलोनी किसी का आया, उसको वो अपना कमीशन काट के लोग जो पैसा दे दिए, उसमें किसी को सामान घटता है तो वो हम दे देते हैं और बाद में वो पैसा हमको देते हैं। जी अच्छा अब क्या करेंगे, अगर मान लीजिए सत्ता में आप आ गए तो क्या करेंगे? जी देखिए मुख्यमंत्री द्वारा 7 निश्चय योजना जो है वो हमारे पंचायत में फेल्योर है। आज जाकर सिरकलपुर को देखिए, धर्मपुर को देखिए, कोई भी गली पीसीसी नहीं है, कोई भी नाली नहीं बना हुआ है, कोई भी रास्ता जो रोड है, अभी धर्मपुर के विषय में हम बोले थे कि धर्मपुर के लोगों को अगर रोड पे आना है तो लगभग 2 किलोमीटर घूम कर आना है और हमारे गाँव से जो होकर रास्ता जाएगा वो आधा किलोमीटर मात्र दूरी है और वो लोग रोड पर आ जाएंगे। तो हमारी प्राथमिकता है लक्ष्मीपुर धर्मपुर का रास्ता का निर्माण करवाना। धर्मपुर भी, धर्मपुर में हम गए थे, वहाँ गरीबी से बहुत गुजर रहे हैं लोग, हर तरह से वहाँ सरकार का जो भी काम आता है वहाँ धरातल पर नहीं उतर पाया है।
आप प्रयास करेंगे? जी हमारा अभी तक गए हैं वहाँ, पहली प्राथमिकता वही है और दूसरी प्राथमिकता यह है कि ना हम खाएंगे कोई पैसा और ना ही खाने देंगे किसी को। हमको एक रुपया कमीशन नहीं चाहिए। अभी 199 इंदिरा आवास आया हुआ है जो कि जिसको भी मिलेगा लगभग 30-35 लाख रुपया उसमें कमीशन लोगों को मिलेगा। तो जो मुखिया होगा, हम कह रहे हैं कि हम अगर मुखिया होंगे तो 30-35 लाख रुपया हमें नहीं चाहिए, हम जनता को पूरा पैसा देंगे, दिलवाएंगे, पूरा पैसा दिलवाएंगे। अच्छा, धर्मपुर में आप गए थे इधर कभी? जी गए हैं। उसके पहले कभी गए? बहुत बार, बचपन वही गुजरा है। सिरकतपुर और धर्मपुर में अंतर क्या है? छोटकी बिहारी लक्ष्मीपुर, इसमें अंतर क्या है? एक गाँव हम लोग का है। अच्छा, इस पंचायत में, सोनौला पंचायत में सात निश्चित योजना जो पार्ट वन है, कितना तक हो गया है, कितना परसेंट? एक तरह से फीसदी कही है। आप सभी कहे कि गिने चुने लोगों को आप पता कीजिए। गहरुआ में 2-4 लोगों को, पुरैना में 2-4 लोगों को, सिरकलपुर में 2-4 लोगों को बस मिला है। इसके बाद आम जनता उससे कोसों दूर है, कोई किसी को पता भी नहीं है कि क्या होता है। जी, और आपको मालूम है इसका पार्ट टू भी आने वाला? जी आने वाला है। अगर हम लोग मुखिया बनते हैं तो देखिएगा उसको धरातल पे कैसे उतारेंगे। कितना उतारेंगे, कितना परसेंट? 101% उतारेंगे। जी बिल्कुल। इतना जनता के सामने आप वादा कर रहे हैं, मान लीजिए इतना जनता आपके पीछे आई है कुछ सोच कर कि हमारे प्रतिनिधि बनेंगे, हमारे लिए कुछ करेंगे, क्या करेंगे सत्ता में आने के लिए, आने के बाद इनके लिए क्या करेंगे? जी जान की बाजी तक लगा देंगे जनता के लिए। देखिए इनका चेहरा देखिए, सब लोग आपके तरफ नजर लग रहे हैं। खड़ा उतरना है, विश्वास पर खड़ा उतरेंगे, इनके मदद में आप खड़ा उतरेंगे हमेशा से रहे हैं। कोई भी हमारे पास आया है निराश होकर नहीं गया, कोई पद नहीं रहते हुए भी कोई आया है निराश होकर नहीं गया है। आपको विश्वास है मुखिया जी? हाँ विश्वास है, सब लोगों को विश्वास। चलिए अच्छा है मुखिया जी आप खड़े उतरे, जो विश्वास जनता कर रही है। अब चलिए इनसे बात करते हैं, इनके बारे में, मुखिया जी के बारे में। आ जाइए इधर थोड़ा, हमारे बारे में तो आप जानते ही हैं। हाँ, मुखिया जी के को भाजन बन चुके हैं और फिर एक नया मुद्दा भी गरमाया है। मेरे नाम से, मेरे पास नाली वगैरह अब खुद का बनाया हुआ है, मेरे नाम से सोखता का पैसा उठ गया है, अविनाश कुमार तिवारी के नाम से मेरे नाम से शेड उठ गया है, मेरा प्लांटेशन हो गया है, न कल लगा है न उसकी घेराबंदी हुई है, सिग्नेचर किए होंगे। अब मैंने आधार हमसे मांगा गया, आधार दे दिए। अब आधार देने का मतलब है कोई सिग्नेचर करके उठा लिया है, मैंने तो सिग्नेचर आधार बस दे दिए, उठ गया, उठ गया। सिग्नेचर आपने किया? बिल्कुल नहीं, कहीं कागज पर किए हैं? कागज पे मैंने सिग्नेचर करके नहीं दिया है, ना ही किया है, लेकिन मेरा नाम कैसे पता लगा कि उठ गया? बकायदे सारे लिस्ट है मेरे पास, लगभग मेरा ही नहीं, मेरे गांव के। देख लीजिए सोनौला पंचायत में कितना बड़ा बड़ा घोटाला हो रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं, अभी मुखिया प्रत्याशी जी बोल रहे थे 2 करोड़ का घोटाला कम से कम। अब मुखिया जी लो जो ढाई, एक मिनट, मुखिया जी लो जो 2,500 का सैलरी पता है, 5 साल में 2.5 करोड़ का मालिक हो जा रहा है। अब देख रहे हैं यहाँ से भेद फूल रहा है, अब देख सकते हैं। मेरे चाचा जी हैं जो इंजीनियर हैं और उनके नाम से प्लांटेशन हो गया है और अभी तक उनको कुछ मिला भी नहीं है। विपिन कुमार तिवारी, आप पता कर सकते हैं और मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, मैं प्रूफ के साथ ही बोलता हूँ, मैं बिना प्रूफ का कुछ नहीं बोलता, आप हमको जानते हैं। देखिए सारा, देख लीजिए सारा कुछ, देख लीजिए, खोल के देखिए। विपिन कुमार तिवारी के नाम से सेल उठ गया है, पाइप लग गया है, घेराबंदी होगा या हुआ कुछ नहीं है। बनारस में अभी प्रोवेट सब हो गया है, सब अभी चाहिए तो मैं फोन लगा देता हूँ, आप बात भी कर सकते हूँ। 2020 से कई इसका लिस्ट है, ये कहाँ से लाए हैं? ये ब्लॉक में है, हर जगह ऑनलाइन है, आप निकाल सकते हैं। ऑनलाइन में तो सही नहीं देता है, ऑनलाइन है, ऑनलाइन कहीं से भी आप निकाल सकते हैं साइट पे जाकर के। नहीं ये वाला ग्रांट हो गया, इसका मनी बता नहीं रहा। 2020 से किसका है? हाँ वो दिखाता है, चलिए इसका मैं लिस्ट आप लोग के सामने लाऊंगा, घुटनी प्रखंड में हर पंचायत का लेकर आऊंगा, अभी टाइम है मैं लेकर आऊंगा। तो एक बार जमीनी स्तर पे आप जाके लिस्ट निकलवा के हमारे लोगों से पूछिए। आधा गाँव में तो नल जल का सुविधा ही नहीं मिल रहा है, आधा गाँव में तो नल जल है ही नहीं, और नली गली का पैसा तो पता नहीं कहाँ चला गया, जो नली बनना चाहिए वो नाली है ही नहीं और नाला है। आप मेरे यहाँ जब गए थे उस नाली का अस्तित्व मिटा दिया गया, जिस नाली का पैसा उठाया गया उस नाली का अस्तित्व मिटा दिया। कहाँ पे? गांव सिरकलपुर, सिरकलपुर वार्ड नंबर 8 में जो नाली बन गया, नाली बिल्कुल नहीं बनाया, उसमें मिट्टी ढकवा दिया गया है। उस नाली का पैसा जो है उठाया गया नहीं उठाया गया, नाली का जो पहले से सरकारी नाली है उस नाली का भी बंद करा दिया। हाँ अब चलिए, मेरा तो प्राथमिकता यही है कि हाँ मुखिया प्रत्याशी हो या कोई भी, ये लोगों का मदद। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे गांव में आइए और 8 नंबर वार्ड में आप घूम के देखिए कि नल जल का, नल का पाइप गया है कि नहीं, वहाँ पाइप ही नहीं है, नल जल का पाइप ही नहीं है मेरे गांव में, तो और नाली और गली की व्यवस्था की तो बात छोड़िए।
मिट्टी का पैसा पता नहीं कितने कितने लाख का उठ गया है, और मिट्टी की राही नहीं है रोड पे, मिट्टी की राही नहीं है। और आप आकर के खुद मेरे गांव में देख सकते हैं इस बात को, मैं दिखा दूंगा आपको, आइए कल आइए परसों आइए। चलिए किसी दिन आ रहा हूँ, दिखाऊंगा। वैसे तो अब कागज के साथ हर पंचायत में मैं उतरने वाला हूँ घुटनी में। आप ये पहले बताइए, मुखिया जी से पूछा जाए कि आपका लड़का बैंकाक कमाता है, ये बिल्डिंग जो आप बनाए हैं महल, तो क्या बैंकाक की कमाई से बना? ऐसे का घोटाला हुआ है, वो 6 महीना में 1.5 करोड़ का काम कराए हैं अपने, मैं उसका साक्षात गवाह हूँ, 1.5 करोड़ रुपए का। हाँ, कहाँ से आया है कौन सी कमाई का है? किसी को 10,000 सेठ के, एक एक आदमी को 2-2 सेठ बना है, एक आदमी का नाम लिखा गया है, एक अच्छा आदमी इसमें सुनने में आता है कि पुराना का भी कोई शामिल है। बहुत सारे लोग हैं, रैना का भी है कोई शामिल। उन दोनों किसी के द्वारा आरोप लगाया गया कि प्रमोद तिवारी का राशन कार्ड है। अरे प्रमोद तिवारी की नहीं, यहाँ तो बैंकाक रहने वालों का राशन कार्ड आप बना है, जो बैंकाक में रहता है, हमारे यहाँ बोलेरो और पोजेरो से आता है राशन, जो फॉर्चूनर से चलता है उसके पास भी राशन। मुनिंदर जी जो स्टेटमेंट दे रहे थे उनके घर 3 राशन कार्ड आरोप लगाए हैं, उनके पास 3 राशन, हमारा राशन कार्ड हमारे पास एक साल पहले कट चुका है हमारा, उनका राशन कार्ड। हाँ, लेकिन कभी उस पर नहीं था, और मोटिवेट साइन करके अंगूठे का निशान देकर कभी अनाज नहीं था। छोड़ दीजिए, इतने लोगों के सामने कह रहे कभी प्रमोद तिवारी का आज तक इनके हाँ अनाज नहीं उठाया, मेरे यहाँ का राशन नहीं उठाया। मैं खुद डीलर हूँ, मैं जानता हूँ, और मैं इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं जानता था कि आप वहाँ आए होंगे, इसीलिए मैं आया हूँ केवल ये कहने के लिए कि मेरे नाम से शेड उठ गया, मेरे नाम से वो सोख्ता बन गया, प्लांटेशन हो गया। चलिए क्षेत्र में जाने के बाद ये तो पता चल ही जाएगा, वैसे तो जनता बताएगी ये सब, खड़े खड़े रूम में कोई भी अपना बड़ाई कर देता है कि मैं ये किया हूँ, बिल्कुल वो वाला मुखिया ये किया है, वैसे सही नहीं हो पाएगा। वैसे यहाँ पर ये लोग हैं, सभी लोग इतने लोग हैं, क्या मुखिया जी ये प्रत्याशी हैं जो प्रमोद तिवारी सही बोल रहा है? कहाँ से हैं आप? सिरकलपुर से। सिरकलपुर में हैं, वार्ड प्रत्याशी हैं? पहले थे वार्ड आप? नहीं, क्या हुआ है, काम नहीं हुआ है पहले? कोई काम नहीं हुआ, काम भी हुआ है, अधूरा काम हुआ है, ऊपर पाइप लौटता है, नल में पानी नहीं आता है, तो क्या काम हुआ? चलिए मैं क्या बोल सकता हूँ, वो तो जनता इस बार खुद बताएगी। मुखिया जी सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल को और आपको, क्योंकि जो भी चैनल वाले हैं उनमें से मैंने देखा है, मैं खुद YouTube पे आपको देखता हूँ, आपकी जमीनी स्तर से जो आपने एनालिसिस किया है, पॉलिटिकल एनालिसिस या किसी कामों का एनालिसिस, वो आप बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया है अपने चैनल के माध्यम से और कुछ संदेश देने के लिए। पिछले दशक से हमने ये देखा है सनहुला पंचायत में कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो धरातल पे जिस तरीके से लागू होनी चाहिए, जिस तरीके से एक आम जनमानस को फायदा उसका मिलना चाहिए, वो उसको मिला नहीं है। विकास से कोसों दूर रही है जनता, एक गरीब आज भी उस गरीबी को झेल रहा है, एक समस्या लेकर के आज भी समस्यावान व्यक्ति झेल रहा है, जिसको राशन कार्ड चाहिए उसको नहीं मिला है, जिसको नहीं चाहिए योग्य को योग्य अयोग्य ठहराया गया है और अयोग्य को योग्य ठहराया गया है। धांधली और भ्रष्टाचार की परम सीमा, मतलब पराकाष्ठा से सनहुला पंचायत अभी चल रही है। घुटनी प्रखंड में चरम सीमा पे भ्रष्टाचारी। मैं सनहुला पंचायत की जानता हूँ क्योंकि मैं सनहुला पंचायत का मतदाता हूँ और मैं एक सामान्य परिवार से हूँ, मेरा कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, मैं बहुत छोटे से परिवार से बिलोंग करता हूँ और खुद मेरे परिवार में सभी लोग अनएम्प्लॉई हैं, हम लोग प्राइवेट काम करते हैं, हमारे खुद बड़े भाई साहब खेती गृहस्थी गाँव पे रहते हैं, पिछले 25 वर्षों से जिनका राशन कार्ड में कोई नाम नहीं है, नाम कार्ड जोड़ने के लिए उन्होंने अपना एप्लीकेशन दिया तो पूर्व मुखिया माननीय विजय प्रताप सिंह जी ने उसको फड़वा के फेंकवा दिया कि वो छोटी जाति के लोगों के प्रतिनिधित्व करता है, वो पिछड़ी जाति और छोटे लोगों के साथ रहते हैं, उनके नेता हैं, उनका नाम नहीं दर्ज किया जाएगा, उनको कोई सरकारी सुविधा नहीं दी जाएगी, मतलब वो एक जाति विरोधी हैं। ये कहें कि छोटे वर्ग के सबसे बड़े विरोधी हैं तो माननीय मुखिया जी हैं, और प्रमोद तिवारी जो हर वर्ग के साथ हैं, हर छोटे से बड़े धनी गरीब सबके साथ हैं, और ये कहिए कि विकास पुरुष हैं और नया इतिहास लिखने जा रहा है सनहुला पंचायत इस बार, और प्रमोद तिवारी ये कहिए कि धरती पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं और विकास पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं, और मैं प्रमोद तिवारी की तरफ से पूरी जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ कि इस बार स्वर्णिम काल होगा मुखिया का, इस बार कोई सामान्य काल नहीं होगा, हम लोग नए इतिहास रचने जा रहे हैं और इसमें आप सभी पत्रकार बंधुओं का सहयोग चाहिए कि यदि कभी यदा कभी कहीं किसी तरीके से येन केन हम लोग अपने रास्ते से भटकते हैं तो आप उस रास्ते पे हमको पकड़ के लेके आए, हमारी गलतियों को उजागर करें, धन्यवाद। चलिए वो तो चुनाव के बाद जनता बताएगी, चुनाव में होने के बाद जनता बताएगी कौन सही है, कौन खराब है, कौन काम करने वाला है या नहीं है, चुनाव बाद पता चलेगा। चलिए इसी के साथ मैं मनिंदर कुमार सिंह, कैमरा मैन दीपक मिश्रा के साथ दबंग 24 से, धन्यवाद।